ये टॉपिक हमारा आज हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर है। बहुत लोगों को मन में डाउट रहता है कि हेयर ट्रांसप्लांट में क्या करना चाहिए, क्या उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं, कैसे उसको डेली केयर क्या करना है और क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, और उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं, कैसे अपने बालों का ख्याल रखें आफ्टर सर्जरी, और सर्जरी के दौरान क्या क्या दिक्कत होती हैं, इन सब के बारे में आज बताया जाएगा। तो जैसे कि नॉर्मल सर्जरी जो होता है और सर्जरी का टाइम पीरियड क्या रहता है, सर्जरी अराउंड वही 5 से 6 घंटे में आपका अराउंड 3,500-2,500 ग्राफ्ट हो जाता है। और उसके बाद पोस्ट सर्जरी आप क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें कि आपको नॉर्मली उस पर हाथ नहीं लगाना रहता है और नॉर्मल सलाइन वगैरह जो है उससे ही आपको स्प्रे करनी पड़ती है। अब रहा आपको उसके बाद कितने दिन बाद आप उसको शावर ले सकते हैं, तो आप 3 से 4 दिन बाद जब आप मतलब शैम्पू वगैरह स्लोली स्लोली उसमें कर सकते हैं, कोई विगरेसली नहीं कर सकते हैं, बड़ा मतलब शावर से नहीं ले सकते हैं, और जेंटली कोई बेबी शैम्पू वगैरह जो सॉफ्ट हो अल्कोहल फ्री उसको आप यूज़ करें। और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपको अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, जैसे ब्लीडिंग उस एरिया से होता है या रेडनेस फीवर या बुखार या कोई बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो आप डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। उसमें आपको कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करना रहता है 2 से 3 वीक तक, कोई हैवी लिफ्टिंग नहीं 1 महीने तक, और हेयर कलरिंग वगैरह भी 1 महीने तक ना करें सर्जरी के बाद। और नाइट में आप हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद 3 से 4 पिलो लगा लें और उसके ऊपर एक टॉवल रख लें और हल्का हल्का आपका जो सलाइन है वो स्प्रे करें, और कोई भी आप ड्रिप सीट भी लगा सकते हैं ताकि वो भीगे ना। तो उससे क्या होता है कि उससे आप जो भी मतलब आपका ये रहता है कि आप उसमें ब्लीडिंग वगैरह रहता है, ओजिंग वगैरह रहता है, वो सब आपके आंखों के पास ना आए। और एवरी 2-2 घंटे में, हर 2-2 घंटे बाद आप स्प्रे करते रहें सलाइन लेके, और उसको 3 से 4 से 5 दिन तक आप कंटिन्यू। और वॉश कैसे करें, एक हल्का सा आप बेबी शैम्पू वगैरह ले सकते हैं और स्काल्प पे या फिर उसको फोम बना सकते हैं, फोम यानी कि कटोरी में शैम्पू डाल के आप उसको एक फोम बना सकते हैं और उसको लेके बालों के ऊपर रख लीजिए हेयर ट्रांसप्लांट के नेक्स्ट डे या फिर 2 दिन बाद आप उसको रख सकते हैं। ऐसा आप रिपीटेडली 3 से 4 दिन तक कीजिए, तो जो भी आपके क्लॉट वगैरह होंगे वो सब निकल जाएंगे। और सेकेंड वीक से वैसे ही आप उसको शैम्पू हल्का सा करें, ज़्यादा ज़ोर से ना करें, और अल्कोहल वगैरह या आप अगर सिगरेट वगैरह ले रहे हैं तो ये सब अवॉइड करनी चाहिए, एटलीस्ट फॉर 2 से 3 वीक तक उसको अवॉइड करें। 1 महीने बाद यानी कि 4 से 5 हफ्ते बाद आप नॉर्मल आप जैसे शावर ले सकते हैं और आप लाइट एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, और उसमें आप स्विमिंग वगैरह अगर आप स्विमिंग के मतलब आदि हैं तो स्विम वगैरह भी आप हल्का कर सकते हैं, लेकिन आप उस पर प्रेशर मत दीजिए डायरेक्टली स्काल्प के ऊपर। और ये विन आप हेयर कट वगैरह भी 1 महीने बाद, 1 से 1.5 महीने बाद आप हेयर कट कर सकते हैं, लेकिन ट्रिमिंग नहीं करनी चाहिए उस एरिया। आप एक जब आप बहुत ज़्यादा गर्मी या उस समय सन वगैरह आपको ना लगे, इसलिए आप एक हैट वगैरह भी पहन सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के मतलब एटलीस्ट 1 हफ्ते बाद। देखिएगा जैसे तुरंत नहीं पहनिएगा वरना वो स्टिक कर जाएगा। और खाने पीने में आप ज़्यादातर ध्यान रखें कि आप ताज़ा सब्जी और फल वगैरह ये सब खा सकते हैं, फ्रेश जूस वगैरह आप जितना लेंगे, विटामिन सी आपको जितना ज़्यादा रहेगा, एंटीऑक्सीडेंट्स जितना ज़्यादा रहेगा उतना आपको वो हेल्प करेगा आपकी ग्रोथ में। हेयर ग्रोथ की मतलब जैसे लोगों का डाउट रहता है कि कब से हमारा हेयर ग्रोथ होता है, तो 1 महीने बाद से शुरू हो जाता है और 1 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ता है। तो नॉर्मली एक इंसान हेयर का एक्चुअल ग्रोथ अप्रिशिएट करने के लिए उसको 4 से 6 महीने लगते हैं, और उसको उसके बाद वो हेयर कट भी करा सकता है। डोनर एरिया और जो जहाँ से आप ट्रांसप्लांट मतलब आप लेंगे एरिया में, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा ब्लड का क्रस्ट वगैरह रहता है, तो ये कोई मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप उसको स्काल्प को आराम से धो सकते हैं सलाइन से।
और जहाँ पे एनास्थिशिया वगैरह दी जाते हैं वहाँ थोड़ा सा नमनेस रहता है, तो ये नॉर्मल है, किसी का 7 दिन तक, किसी का 10 दिन तक, किसी का 15 दिन तक भी नमनेस रहता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमेशा क्या होता है हेयर ट्रांसप्लांट में, हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप झुक के मत रहिए जब ट्रांसप्लांट हो जाए, क्योंकि सारा जो ड्रेनेज होना होता है एनास्थिशिया का, वो सारा ड्रेन नहीं हो पाता है लिम्फ नोड से। तो वैसे अगर हो तो आप घबराइए मत, लेकिन आपके ऊपर से एक्सरसाइज जैसे आँखों के ऊपर से लेके उसको कान के नीचे तक आप ऐसे रब करते रहिए, सुबह से लेके शाम तक आप 5 से 7 बार कर सकते हैं, और देखिएगा कि 2-3 एक दो दिन में ही बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा, आपकी स्वेलिंग वगैरह चल जाएगी, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। डोनर एरिया रहती है वहाँ पर भी हल्का फुल्का थोड़ा सा सोरनेस वगैरह, रेडनेस वगैरह आता है, वो चला जाता है धीरे धीरे, वो ज़्यादा रहता नहीं है, और ये सब 2-3 दिन की बात है, अनलेस एंड अंटिल कोई ज़्यादा बड़ा इन्फेक्शन हो, जिसमें आपको डॉक्टर को फिर बात करनी चाहिए। और जो आपके ट्रांसप्लांटेड एरिया हैं वो आपके मतलब उस डोनर एरिया में, फिर आप नॉर्मल सलाइन वगैरह ये सब से आप उसको वॉश कर सकते हैं। ज़्यादा आता है तो आप डॉक्टर से दिखाएं, वरना हल्का फुल्का स्वेलिंग कोई दिक्कत नहीं होगा, और उसको बाद में आप उसको दिखा सकते हैं। और ग्राफ्ट्स वगैरह जो हैं वो परमानेंटली उस प्लेस में रहती हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रहता है। और ये सब आप मतलब ब्रशिंग वगैरह, कॉम्बिंग वगैरह जो है, ये आप 2 से 3 से 4 हफ्ते बाद उसको नॉर्मल कॉम्ब। और जो आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट का जो लेंथ है वो उस हिसाब से उसको कटिंग वगैरह करते हैं, जहाँ पे एक बार आपका बाल बढ़ जाते हैं तब, तो ये सारा आपका दिखाया गया है यहाँ पे, हमने दिखा दिया है कि आपके कैसे सेड होते हैं, तो नॉर्मल सेडिंग होगा और आप नॉर्मल हेयर कट 4 से 5 हफ्ते बाद आप उसको शुरू कर सकते हैं। तो ये आपका ट्रांसप्लांटेड एरिया दिखाया गया है। फिर आपके फॉलिकल्स जो हैं उसको आप डाई वगैरह कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 3 से 4 हफ्तों का वेट करना पड़ेगा। और जो न्यूली ट्रांसप्लांटेड हेयर होते हैं वो धीरे धीरे आपके ग्रोथ होने लगते हैं, और वो धीरे धीरे आपके सेडिंग भी उस हिसाब से होगा, तो आपको डरने, आपके टोटल बाल आपको देखने के लिए, तो उस हिसाब से अगर लेके जाएं तो एक महीने में 1 सेंटीमीटर का ग्रोथ होते रहता है, तो 10 महीने में आप बहुत अच्छे से फॉलोअप दिखा सकते हैं अपना, और 1 साल में आपका बहुत अच्छा अपीयरेंस आ गया रहेगा और वो दिखेगा। और 1 से 2 साल के अंदर आप बीच में PRP वगैरह ले सकते हैं, उनकी टेक्सचरल चेंजेस वगैरह देख सकते हैं आप। और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद लोगों को रहता है कि हम लोग का मतलब हेयर शेड हो गया या कुछ हो गया, लेकिन ये सारा चीज़ नॉर्मल है, आप उसको नॉर्मल वे में ले सकते हैं, और टोटल आपका बाल जो हैं वो मतलब 16-18 वीक्स में आपको दिख जाएंगे। और आपको वरी करने का ज़रूरत नहीं है कि वाइट वाला टिपिंग ऑफ हो गया, कोई बोलता है वही बाल हमारे झड़ गए, तो ये 2 से 6 वीक तक ये सब चलता रहेगा, 4 महीने तक ये, 4 से 18 महीने तक ये सारा चीज़ कंटिन्यू होते रहेगा। हमारे पास डोनर बहुत कम है, और हम लोग कैसे उसको मतलब डोनर अगर कम होता है लेकिन हम लोग को एरिया बढ़ाना है, तो इन बिटवीन अगर आपकी डेंसिटी अच्छी ना हो तो आप अपने डॉक्टर से बोल सकते हैं कि वो स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन का सहारा ले सकते हैं, जिसमें आपकी डेंसिटी बहुत अच्छी लगेगी। ग्रोथ पैटर्न आपका टोटल अराउंड 10 से 12 महीने तक आपको दिखेगा। पर ग्राफ्ट कितना खर्चा रहेगा, क्या रहेगा, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप हम लोग चार्ज करते रहते हैं, वो DHT प्रोसेस है, FUE प्रोसेस है, तो पैकेज के हिसाब से हम लोग चार्ज करते हैं कि 20 से 30 रुपये, उसमें आपके सारे मेडिकेशंस होते हैं, 1 साल का PRP रहता है, ओजोन थेरेपी रहते हैं उसमें, आपका बहुत सारा मतलब मेडिकेशंस वगैरह रहता है, ये सारे उस पैकेज में इंक्लूड है पेशेंट्स को, और 1 साल तक का फॉलोअप हमारी तरफ से रहता है, जिसमें कि सारे ट्रीटमेंट, उनके जितने सारे दवाइयाँ वगैरह या जो भी शैम्पू मिनोक्सिडिल वगैरह जो चाहिए होते हैं वो सारा चीज़ हम लोग करते रहते हैं। सारा चीज़ आप हमारे फेसबुक चैनल, हमारे इंस्टाग्राम चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, और कुछ भी आपको सवाल पूछने हैं आप उसमें पूछ सकते हैं।
हम आपके लिए हमेशा मतलब रहेंगे टाइम पे कि आपको उसमें गाइड कर सकें, सही जवाब दे सकें, और लास्ट में हमें थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट जो है वो बता देना है हेयर ट्रांसप्लांट में। नॉर्मली आपके साइड इफ़ेक्ट्स में आपके कभी कभी होता है कि वहाँ पे पस वगैरह आ जाते हैं, क्योंकि वो जो हेयर रहता है वो फॉलिकल के ऊपर स्किन आ जाती है, तो इसमें डरने का कोई बात नहीं है। तो वो पस एक्चुअली मिनोक्सिडिल आप यूज़ करेंगे तो मेरे मिनोक्सिडिल से थोड़ा बहुत आपको डिजनेस लगेगा, थोड़ा इरिटेशन हो सकता है, थोड़ा ड्राइनेस भी हो सकता है स्काल्प में, इचिंग वगैरह हो सकता है, तो ये सारा चीज़ नॉर्मल है, तो आप इसमें डरने का कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है। और लास्ट सवाल रहता है लोगों का कि हेयर ट्रांसप्लांट हमारा ज़िंदगी भर रहता है या नहीं रहता। डेफिनेटली हेयर ट्रांसप्लांट जो आपके डोनर एरिया से जब हम लोग लेके आते हैं या बियर्ड से आप हम लोग डोनर ले जाते हैं आपके इसके लिए स्काल्प के लिए, या फिर आपके फोर फिंगर्स फ्रॉम द बैक हम लोग लेते हैं, तब वो हमेशा आपके साथ रहेगा। बट आपके जो ओरिजिनल बाल हैं अगर उसकी केयर ना की जाए तो वो धीरे धीरे वापस अपने शेडिंग पे चले जाते हैं। बट स्टिल देन आप अगर रेगुलरली डॉक्टर से फॉलोअप रहें हेयर ट्रांसप्लांट करने से पहले और करने से बाद।